समाना कहा कबीर पर कहा न जाना, कहा कबीर पर कहा न जाना। संत का हृदय मक्खन की तरह होता है, कितना पौष्टिक, कितना निर्मल, कितना स्वादिष्ट, लेकिन नहीं नहीं नहीं, कवियों ने कह दिया लेकिन कहना नहीं जाना। क्यों? कि निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख दुखी संत सुपनीता। मक्खन के जब गर्मी लगती है ना तब पिघलता है, लेकिन संत दूसरों के दुखों को देख कर पिघल जाता है। महात्मा गांधी एक नदी में स्नान कर रहे हैं, कुछ बच्चे और कुछ महिलाएं बिना वस्त्रों के, उन्होंने उसी समय अपना एक वस्त्र का परित्याग कर दिया। लोइन का शेर भी है, और इसने आयु और रोग को बदल दिया जाए तो लोइन क्लॉथ कटी वस्त्र उन्होंने धारण कर लिया। क्योंकि जब मेरे देश के लोगों को ये चीज नहीं मिल पा रही है तो मैं कैसे लूं। और दूसरा, संतों की या महात्माओं की परिभाषा में कहा गया है, संत जो कहा जाता है कपास की तरह ऐसा, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल चार आसु। निरस है, कोई उसमें रस नहीं है, विशद है, शुद्ध है, एकदम शुभ्र स्वच्छ है, और तीसरा उसमें है गुणमय फल जासु। गुणमय का अर्थ ये नहीं है कि उसमें गुण है, गुण का अर्थ होता है तंतु जोड़ने वाले। एक धागा कपास में जो धागे होते हैं एक दूसरे को जोड़े रहते हैं उनको गुण कहते हैं। और क्या कपास का गुण है? सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंधनीय जस जय जग पावा।
जो खुद कष्ट सहन कर कर दूसरों को शांति प्रदान करते हैं, दूसरों के लिए सेवा करते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ है। मेरा भाषण तो लिखा हुआ ही है, लेकिन उसमें कहा गया है कि साहब सेल्फ सर्विस की बात भी आई। मैं तो कह रहा हूँ सेवा करो, अरे सेल्फ सर्विस इज ग्रेसफुल। अपनी सेवा अपन स्वयं ही कर लो, पर उपदेश या वो पर सेवा की तो बात दूसरी रही है। लेकिन संत जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, वो संत साहब इस महात्मा पुष्कर आज में आज ही के दिन उनकी अस्थियां प्रवाहित की गई थी। और एक बात और कही थी, 1929 संभवतया बी इंडियन एंड इंडियन, हाँ भारतीय भारतीय खरीदो, और यहाँ भी विदेशी माल की पुष्कर में भी होली जलाई गई थी। ये कथा जब मैंने देखा तो पैदा ही नहीं हुआ था, देखा कहां से। लेकिन स्वदेशी आंदोलन और फिर महात्मा गांधी जुड़े हुए, चश्मा आ रहा है बराबर, कैसा सुंदर स्वच्छ। और विश्व का सबसे प्रथम ग्रंथ पद्म पुराण, पद्म पुराण का पहला श्लोक पुष्कर पर, पहले श्लोक का पहला शब्द है साहब स्वच्छम। आप देखें गूगल सर्च करें स्वच्छम चंद्रावतार, तो स्वच्छता प्रमुख है। और स्वच्छता की प्रार्थना पुष्कराज से करते हैं, स्वच्छता हमारे जीवन में। और एक चौपाई ये कहते हैं, चौपाइया कम बोलते हो आजकल, परम महात्मा गांधी अहिंसा के लिए जाने जाते हैं, परम धर्म यह विदित अहिंसा पर निंदा अग सम न करी सा। ये परम धर्म है अहिंसा, पुष्कर इसका प्रमुख क्षेत्र है। हमारे यहाँ की एक कहानी है, छोटी सी कहानी है, एक गाय एक शेर के सामने फंस जाती है, उससे निवेदन करती है मेरा नवजात बच्चा है, मैं उसको दूध पिला के आती हूँ, सत्य शपथ ग्रहण करती हूँ मैं तुम्हारे पास में आऊंगी। और ये कहानी उसी से संबंधित है, हिंसा पर अहिंसा की जीत, नंदा सरस्वती तक उस बाघ ने भी उस गाय का शिकार नहीं किया। ये अहिंसा की भूमि है। और उसमें एक बात स्वागतकर्ता ने किसी ने कहा कि महात्मा गांधी में बहुत से संत महात्माओं का रूप देखिए साहब, कोई महान पुरुष आता है ना तो अपने आप कुछ ना कुछ, एक दो नहीं, अपने पूर्वजों के ही संस्कार लेकर आता है। और उन पूर्वजों को, महात्मा गांधी भी हमारे पूर्वज, और वैदिक मंत्र पूर्वजों को याद करते हुए ओम याम मेधाम देवगणापि दरेश्वरासते दया मामद्या मेधा याग्ने मेधाविनम कुरुस्वा। हे मेधाविन परमात्मन, जिस मेधा शक्ति की आराधना उपासना अर्चना हमारे देवगण ऋषिगण और पितृगण पूर्वजन करते हैं, उनका पुण्य फल हमें प्रदान कीजिए ताकि हम भी सन्मार्ग की ओर अग्रसर हो सके। धन्यवाद। आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर अभय कुमार जी शर्मा सर। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। वैसे तो गांधी जी राष्ट्रपिता थे, हम सबके पिता थे, ये कार्यक्रम हम सभी का है, फिर भी आप लोग अपना अमूल्य समय निकाल के यहाँ पधारे, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। विशेष करके जनार्दन जी भाई साहब को, जिनके प्रयत्न से हम लोग यहाँ 12 फरवरी इकट्ठे होते हैं तो ये प्रोग्राम करते हैं, इसलिए आप उनको विशेष धन्यवाद देते हुए आप सभी लोगों का पुनः।
मिशनरी ने ली और मिशनरी ने फिर इनके जगन्नाथ जी सोहनलाल जी पंडित जी को बेचा, इनके नाना जी को, परनाना जी को। तो ये तो वो सच्ची श्यामला जी जी के शर्मा, आप कहते हैं हमारे नाना जी के परनाना जी की बात कर रहा हूँ, मेरे नोटरी उन्होंने बनाया जी के शर्मा ने। भाई साहब गोपाल, सवाल ये है कि जगन्नाथ जी ने कहा कि मैं आपको चलूंगा, आपको ऐसा नहीं हो, पैसा दिए बिना होता नहीं है काम। आप देखिए तो पहाड़ियों में और जंगलों में, और वो व्यक्ति वो कह रहा है कि नहीं, मेरी एक मूछ तो नीचे है और एक ऊपर, क्यों कि मेरा कोई प्रेस्टीज पॉइंट नहीं है, कोई प्रेस्टीज पॉइंट नहीं है, समाज के लिए सब कुछ करने होता है। मैं तो चाहता हूँ इस जंगल के अंदर मंगल हो, आनंद मंगल हो, और एक छावनी की जगह एक नागरिक बस्ती बसे, और वहाँ की जो आदिम जाति थी जिसको मेर जाति कहते हैं, संस्कृत में मेरू को, पर्वत को मेरू कहते हैं, और रहने वाले स्थान को मेरवाड़ा कहते हैं, मेर, तो मेरवाड़ा उसका नाम कर दिया। अब उसका मेरवाड़ा जो बस्ती है, इसके अंदर ये जो आदि जाति है, उन्होंने 10 लड़ाई लड़ी खाली अपनी आत्मरक्षा में, 10 लड़ाई लड़ी, लेकिन भिक्षर ने कहा नहीं, आप समाज की मुख्य धारा से जुड़िए। समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक वहाँ किले बंद किए, पूरी दुनिया में अगर अंग्रेजों ने किले बंद किसी शहर की किए तो वो खाली जावर की थी पूरी दुनिया में, और वो किले बंद कर करके नागरिकों को बताया, शेखों को बताया, बताया, और ऊन की और कपास की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कायम की। सारे पेज बने थे वहाँ 10,000 साल भर में ऊन की गाड़ियाँ और 10,000 कपास की गाड़ियाँ ब्यावर की मंडी में आया। उस टाइम में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देता था ब्यावर, और सबसे ज्यादा इनकम टैक्स ब्यावर हुआ क्या, ब्यावर देता था हुआ क्या। आप भी मिनी इतिहासकार हो, आज भी वो भी। एक किस्सा और बताऊँ आपको, अपन जब कॉलेज में थे आपको ध्यान हो तो मुकेश के जीजा जी, मुकेश जो गाना, मुकेश है ना गाना वाले, इसके जो सगे कंवर साहब है वो इनकम टैक्स प्रोफेसर थे, तो हम लोगों ने बोला सर मुकेश जी का प्रोग्राम रखो, तो 2 नाइट मुकेश जी का प्रोग्राम डिग्गी मोहल्ले में ही हुआ। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, 2 नाइट। सूरज प्रसाद जी, सूरज प्रसाद जी हमारे जो यूनाइटेड कॉटन प्रेस थे उसके मैनेजर थे, श्यामलाल जी के सामने वाली, ठाकुर प्रसाद जी के पिताजी, फिर बाद में मेरे मामा जी जगदीश जी बने थे, रेलवे स्टेशन वाली प्रेस की बात है। और आपने साथ थे श्री गांधी जी, रेलवे स्टेशन वाली, मैं तो हारा, ये जोरदार मजा आ गया, क्या मैच करनी है, मैं तो हारा।